फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाली हूँ फ्री का एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे मैंने यूज़ किया और साल भर मैंने फ्लावरिंग पाई अपने पाउडर पफ प्लांट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने इन प्लांट्स को आज फर्टिलाइज़ करने वाली हूँ, मैं देखिए इन प्लांट्स के पास आ गई हूँ और ये वाला कॉर्नर में बहुत ही कम आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि इधर मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, इधर मेरे परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि कुछ प्लांट में काम कर लूँ इधर भी और इन प्लांट्स को भी फर्टिलाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा पाउडर पफ प्लांट है और इसी प्लांट को आज मैं फर्टिलाइज़ करूँगी। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स, और देखिए ये पाउडर पफ का प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका और भी नाम है पर मुझे इसका सिर्फ पाउडर पफ नाम ही पता है। आप लोग भी बताइएगा कि इसका और कौन सा नाम है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा प्लांट है और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। तो ये मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद, और बहुत मेहनत से मुझे ये प्लांट मिला, तो इसकी मुझे खुशी ही अलग है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो कैसे कटिंग से मैंने ग्रो किया था? तो फ्रेंड्स, एक जगह मैं जाती थी तो वहाँ ये प्लांट लगा हुआ था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसे नर्सरी में बहुत ढूंढा पर ये प्लांट मुझे नहीं मिला। तो मैंने बहुत सर्च किया और मुझे ये प्लांट मिला ही नहीं। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने इसकी फ़ोटोज़ क्लिक की और वो प्लांट वाले जो आते हैं मेरे घर के नीचे जिनसे मैं प्लांट लेती हूँ, तो उनको मैंने दिखाया कि मुझे ये वाला प्लांट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट अभी नहीं मिलेगा। तो बहुत टाइम तक मैंने इसको ढूंढा, फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मुझे मिला ही नहीं। तो एक दिन सडनली मेरे पापा ने ये फ़ोटो देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये प्लांट लगा हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे इसकी कुछ कटिंग्स ला कर दी और उसको भी मैंने ग्रो किया, और उसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की हुई है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उसका अपडेट भी मैंने शेयर किया हुआ है और किस तरह से मैंने ग्रो किया हुआ है वो सारा कुछ मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये प्लांट कटिंग से तो ग्रो होता ही नहीं है। मैंने कटिंग तो मंगवा ली बट मुझे नहीं पता था कि ये कटिंग से ग्रो नहीं होता है। और मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया कि ये कटिंग कैसे लगती है इसकी कटिंग, तो सिर्फ कटिंग्स ग्रो करने का मेथड इसमें था लेकिन अपडेट कहीं भी इसका नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ग्रो कर लेती हूँ, अगर ये कटिंग ग्रो होती है तो हो जाएगी, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर मैं प्लांट ढूंढूंगी। तो मैंने कटिंग लगाई और मेरी कटिंग लग गई और उस कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए थे। तो उन प्लांट्स को मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को गिफ्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, अभी मेरे पास दो प्लांट बचे हैं और दोनों में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। वैसे तो ये समर का फ्लावरिंग प्लांट है बट इसने मेरे गार्डन में पूरे साल फ्लावरिंग की है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इसने विंटर में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग की है और इसकी वीडियो भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ कि उसमें देखिए दिसंबर में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिसंबर की है और दिसंबर में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था। पूरे ब्रांचेस में देखिए इसकी फ्लावरिंग हो रही है और इतने प्यारे लग रहे थे इसके फ्लावर्स। तो मैंने उसकी वीडियो बनाकर रख ली थी बट मैंने वो आपसे शेयर नहीं की थी। तो इस वीडियो में मैं आपसे इसकी फ्लावरिंग शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसके साइज़ उस टाइम छोटे थे क्योंकि ठंड में जो समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं अगर वो फ्लावरिंग करते हैं तो उनके फ्लावर्स के साइज़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और अभी देखिए, ये अपने टाइम पर इतने अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और उसके फ्लावर्स कितने बड़े बड़े हैं और इनका कलर्स भी देखिए तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और तो मैं आपसे कल की भी फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जब इसकी बर्ड्स खिली नहीं थी, तो वो भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और दूसरी जगह मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट है और इसको मैंने बकेट में लगाया है, बड़े बकेट में, और देखिए ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसमें भी बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दो प्लांट मेरे पास है तो मैंने सोचा कि अभी मैं कटिंग इनकी लगा लूँ बट मैं लगा नहीं पाई इसकी कटिंग। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों में कटिंग लगा लूँगी इसकी, और क्योंकि मुझे इस प्लांट को काटने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसके हर ब्रांच में बर्ड्स हैं और वो खिलती तो बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मुझे इनको कट करने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं कट कर रही हूँ। और जिस दिन मैं कटिंग लगाऊंगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ
और अब इस प्लांट में मैं क्या देती हूँ, क्या ऐसी चीज़ देती हूँ जिससे मेरा प्लांट इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं देती हूँ अपने प्लांट को, अपने इस प्लांट को मैंने कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मिट्टी में नहीं लगा है बिल्कुल भी, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थोड़ी मिट्टी का मैंने यूज़ किया। ये पता है किसमें लगा हुआ? ये लगा है गार्डन वेस्ट में, जो हमारे प्लांट्स की जो ख़राब सूखी पत्तियाँ वगैरह होती है, तो वो गार्डन वेस्ट मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ। तो मैंने जब इसको रिपोर्ट करना था, तो इसके प्लांटर में मैंने सिर्फ वो गार्डन वेस्ट डाला और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाली, और देखिए ये छोटे से प्लांट को मैंने इसमें लगा दिया, और तब से ये प्लांट चल रहा है। और मैं इसमें क्या डालती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, कि मैं बस एक चीज़ डालती हूँ जिससे इसकी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और मुझे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। और ये जो प्लांट है बहुत ही ईजी टू ग्रोइंग प्लांट है, अगर एक बार इस प्लांट को हम लगा लेंगे तो ये हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ वो है, देखिए तो गमले की मिट्टी को पहले मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इसमें इसकी पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं और वो सूख चुकी हैं। तो मैं बस यही करती हूँ कि टाइम टू टाइम गमले को साफ़ कर देती हूँ, उसमें ख़राब पत्तियाँ वगैरह नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो हमारे प्लांट में फंगस वगैरह लग सकता है। इसलिए मैं इनकी जो सूखी लीव्स हैं उनको मैं निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद मैं इसमें कर रही हूँ गुड़ाई। तो गुड़ाई तो सबसे ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए, अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो हमारी मिट्टी जो है वो सख्त हो जाएगी, और मिट्टी में नीचे की तरफ पानी नहीं बचेगा तो रूट्स भी हमारी सूखी रह जाएंगी, इसलिए हमारा प्लांट फिर अच्छा ग्रो नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने प्लांट्स को गुड़ाई करती रहती हूँ हर 7 डेज़ पर। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अच्छे से गुड़ाई कर रही हूँ, और देखिए गुड़ाई हो रही है, मिट्टी सख्त होने के बाद भी फिर भी देखिए अच्छे से गुड़ाई हो रही है, क्योंकि मैंने पूरा ऊपर तक गार्डन वेस्ट भरा हुआ था और उसमें बहुत थोड़ी मिट्टी है, इसलिए ये इस तरह से जल्दी जल्दी से कर रही हूँ मैं। और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, इसमें मैंने पानी डाला हुआ था सुबह में, इसलिए आपको ये इस तरह से लग रही है। तो अभी मैं इस तरह से इसकी गुड़ाई कर रही हूँ, अच्छी तरह से गुड़ाई कर रही हूँ, ताकि जो भी गार्डन वेस्ट है, देखिए वैसे तो ये डिकम्पोज हो चुका है गार्डन वेस्ट, क्योंकि इस प्लांट को लगे इस गमले में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इसमें जो भी गार्डन वेस्ट वगैरह था वो डिकम्पोज हो चुका है, अब वो मिट्टी में बदल चुका है। तो इस तरह से हम गार्डनिंग कर सकते हैं फ्री की, और कम मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये लकड़ी की राख, वुड एश, आप कोयले की राख, कंडे की राख, किसी भी चीज़ की राख यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं अपने इस प्लांट को यही देती हूँ, क्योंकि इसमें पोटाश होता है और पोटाश हमारे प्लांट्स को बहुत ही अच्छा रहता है, और ये एंटी फंगल का भी काम करता है, तो इससे हमारे प्लांट्स में कोई भी किसी भी तरह का फंगस अटैक नहीं करता है। तो बस मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, और 1 महीने में बस एक बार इसको दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में देती हूँ, ज़्यादा नहीं देना है मुझे। तो मेरा ये प्लांटर बड़ा है, आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये सीमेंटेड पॉट है और ये बड़ा है, तो इसमें मैं इतनी खाद दे रही हूँ और इनकी रूट्स के पास बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, बस मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ। और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मिट्टी में, और मिट्टी से कवर कर दूँगी। और मेरा जो ये प्लांट है वो थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखा है, दीवार का सहारा इसको दिया हुआ है, ताकि इसमें ज़्यादा धूप ना आए, वैसे इस प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है, ये प्लांट फुल डे की फुल सनलाइट में रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को किसी भी खाद की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, इवन पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि इस प्लांट का एक सीक्रेट है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे करता है। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ना ही ज़्यादा खाद वगैरह पसंद है, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, आपको 1-2 महीने पर लकड़ी की राख देना है और गुड़ाई करना है, और पानी बहुत कम देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी देंगे उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी, जितना आप कम पानी देंगे आप उतने ज़्यादा फ्लावरिंग ये प्लांट करता है, और ये मई जून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसलिए आपको ये प्लांट तो लाना ही चाहिए अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ाई कर ली, फिर इसे कवर कर लिया अच्छे से, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो आप जब भी अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करें तो पानी ज़रूर देना है आपको, क्योंकि पानी देंगे तो आपने जो फर्टिलाइज़र डाला है तो आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका प्लांट्स जो है अपना काम करना शुरू कर देगा, और इसमें हैवी क्वांटिटी की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अच्छे से प्लांट को अच्छे से वॉश भी कर लिया इसके लीव्स को, ताकि इसमें जो भी धूल वगैरह होगी तो वो साफ़ हो जाएगी, और इसकी जो लीव्स है वो भी देखिए शाइन शाइन करने लगी। तो यहाँ पर ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया,
और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं करती हूँ अपने इस ब्रांड के साथ, तो वो मैंने आपसे शेयर किया फ्रेंड्स। तो मैं बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि मैं कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं करती हूँ। जो चीज़ें मेरे घर में मौजूद होती हैं मैं उन्हीं को यूज़ करके अपने गार्डन में प्लांट्स को अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपनी फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं, और क्यों हम इतनी ज़्यादा झंझट करें, अगर हमें गार्डनिंग करना है तो हम फ्री की क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ अपनी गार्डनिंग। और फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।